बैक टू माई चैनल। बात करें आईपीओ की, नाम है JAG केमिकल लिमिटेड आईपीओ। फिलहाल देखा जाए तो ये केमिकल क्षेत्र का आईपीओ था जो आया और क्लोज़ हो गया, और आज इसका अलॉटमेंट है। देखेंगे आज लाइव अलॉटमेंट स्टेटस क्या है इस आईपीओ का, और साथ साथ में कैसे चेक करना है, और ऑनलाइन स्टेटस क्या चल रहा है, क्या गिरे मार्केट ट्रेंड कर रहा है, और साथ साथ में किसका कितना सब्सक्रिप्शन आया है, कितना चांसेस रहेगा इसके अंदर अलॉटमेंट मिलने का, क्योंकि इस आईपीओ के अंदर रिटेल के लिए ज़्यादा सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा चांसेस है आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलने के। सारी बातें, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। डिस्कस कर रहे हैं JAG केमिकल्स लिमिटेड आईपीओ के लाइव स्टेटस के बारे में। फिलहाल देखा जाए आईपीओ आया, क्लोज भी हो गया, आज इस आईपीओ का अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट देखने से पहले कि इसके अंदर क्या सब्सक्रिप्शन है उसको समझ लेते हैं, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। अगर सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो QIB इसके जरिए आईपीओ के अंदर 32 टाइम आईपीओ और सब्सक्राइब हुआ, और अमाउंट भी 1624 करोड़ तक का अमाउंट भी इसके अंदर देखने को मिला था। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स करीब करीब 47-48 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ, और 1805 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट भी आया। इसके अंदर भी जो अबाउ 10 लाख थे 50 टाइम, और जो बिलो 10 लाख थे करीब करीब 43 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। इसी के साथ में बात करेंगे रिटेल की। रिटेल इन्वेस्टर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, करीब करीब 18 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ, और अमाउंट भी सबसे ज्यादा करीब करीब 1585 करोड़ तक का अमाउंट रिटेल के जरिए भी इसके अंदर लगा। मेन बॉडी आईपीओ था जिसके अंदर करीब करीब ये कह सकते हैं पूरा ओवर टाइम हुआ इसके अंदर, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ 28 टाइम इसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, और आईपीओ के अंदर 5014 करोड़ तक का अमाउंट देखने को मिल गया। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन चला। अगर बात करेंगे डे बाय डे के बारे में, तो फर्स्ट डे इस आईपीओ के अंदर करीब करीब 2 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, सेकंड डे इसके अंदर 6 टाइम आया था, और आखिरी दिन इसके अंदर 7 मार्च को था, और 28 टाइम ये आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन आया, ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन चला। चलो आईपीओ के और भी क्या अपडेट है वो भी देखेंगे, उससे पहले वीडियो को एक लाइक करते हैं। JAG केमिकल लिमिटेड आईपीओ के बारे में फिलहाल देखा जाए तो जो शेयर्स ऑफर हुए तो उसको समझ लेते हैं। आईपीओ के अंदर एंकर इन्वेस्टर के जरिए आईपीओ के अंदर रखा गया था करीब करीब 75 करोड़ का अमाउंट रखा गया था, पूरे आईपीओ का 30%। आईपीओ स्टार्ट होने से पहले ही इस आईपीओ के अंदर करीब करीब ये कह सकते हैं 75 करोड़ तक का अमाउंट आ चुका था पूरे आईपीओ का, यानी 250 करोड़ के इस आईपीओ के अंदर 75 करोड़ यानी 30% तक का अमाउंट पहले ही इसके अंदर आ चुका था। QIB के जरिए करीब करीब 20% रखा गया था, और HNI का इसके अंदर 15% था। इसके अंदर भी जो अबव 10 लाख थे, जो बिलो 10 लाख थे, 10% और 5% रखे गए थे। इसके अंदर ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा अगर किसी का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था तो रिटेल का था, और सबसे ज़्यादा अमाउंट 88 करोड़ तक यानी पूरे आईपीओ का करीब करीब 35% इसके अंदर रिटेल का रखा गया था। ये कह सकते हैं टोटल आईपीओ यानी 251 करोड़ के इस आईपीओ के अंदर जो अमाउंट लगता वो देखने को मिला करीब करीब 5000 करोड़ तक को देखने को मिला, और आए और साथ साथ में रिटेल के अंदर करीब करीब 88 करोड़ का अमाउंट था। ये कह सकते हैं आईपीओ के अंदर रिटेल का चांसेस ज़्यादा रहेगा इसके अंदर अलॉटमेंट मिलने का। और फिलहाल अपडेट क्या है वो भी देखेंगे, और क्या गिरे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेंगे। उससे पहले कहूँगा एक लाइक करते हैं। JAG केमिकल लिमिटेड आईपीओ के 10-12 बैट टेबल के बारे में। फिलहाल आईपीओ 5 तारीख को स्टार्ट हुआ था, 7 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो गया। फ्राइडे, सैटरडे, संडे मार्केट बंद थी, और फिलहाल आज बेसिक इसका अलॉटमेंट है। आज 11 मार्च मंडे का दिन है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से चेक कर सकते हैं, और डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर भी विजिट करके चेक कर सकते हैं। फिलहाल 12 मार्च को ये आईपीओ निकाल के डेट में ये डीमैट अकाउंट में, और रिफंड भी हो जाएगा। और उसके बाद डेट आती है लिस्टिंग की, तो ये आईपीओ हमको 13 मार्च की इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी कि लिस्टिंग 13 मार्च की है, और लिस्टिंग के दिन क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और साथ साथ में फिलहाल बात करेंगे प्रमोटर की होल्डिंग है, तो अभी तक इसके अंदर 100% होल्डिंग है। अभी इसके आज अलॉटमेंट है, उसके बाद इसकी डेट आती है लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग के बाद मालूम पड़ जाएगा इसमें कितना प्रमोटर की होल्डिंग रहेगी, वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो आईपीओ के अंदर आज के डेट में क्या गिरे मार्केट ट्रेंड करे और क्या अपडेट है वो भी देख लेते हैं। JAG केमिकल लिमिटेड आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में फिलहाल देखा जाए तो आईपीओ आया, क्लोज भी हो गया, आज इसका अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट चेक करने के लिए आना होगा के फाइन टेक लिमिटेड आईपीओ के वेबसाइट के ऊपर आना पड़ेगा। इस वेबसाइट के ऊपर अपना आईपीओ चेक कर सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो अभी तक इसके अंदर JAG केमिकल का अभी तक इसके अंदर अलॉटमेंट का स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट हो जाएगा उस शाम में करीब करीब 4 या 6 के बीच में अपडेट हो जाएगा। फिलहाल अलॉटमेंट चेक करने के लिए एप्लीकेशन नंबर, डीमैट नंबर और पेन नंबर से चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अपना पेन नंबर यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, और साथ साथ में नाम भी इंटर कर रहा हूँ, और इसके अंदर कैप्चा भी फिलअप करना पड़ेगा, और इसके अंदर करीब करीब सबमिट कर देंगे। फिलअप करने के बाद अगर आईपीओ मिल जाएगा तो लिख कर आएगा अलॉटेड, अगर नहीं मिला तो लिख कर आएगा नॉट अलॉटेड। इस तरह आप अपना आईपीओ चेक कर सकते हैं। फिलहाल आईपीओ के और भी क्या अपडेट है वो देखेंगे, उससे पहले कहूँगा चैनल को एक लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते हैं। चलो टू माय चैनल। बात कर रहे हैं JAG केमिकल लिमिटेड आईपीओ के लाइव अपडेट के बारे में। फिलहाल देखा जाए आज के डेट में क्या गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देखेंगे। आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया, 7 तारीख को क्लोज हो गया, आज है मंडे का दिन 11 मार्च 2024। आज इसका अलॉटमेंट है, और अलॉटमेंट चेक करने के लिए आईपीओ
के वेबसाइट के ऊपर आना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसके माध्यम से भी चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल देखा जाए आईपीओ 221 रुपये हाईएस्ट प्राइस बैंड पे आया था और 253 रुपये पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। आईपीओ के अंदर करीब 10 से 15% तक की तेज़ी बनी हुई। जब स्टार्ट में ग्रे मार्केट पे ओपन हुआ था करीब 27% में ग्रे मार्केट पे ओपन हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली मार्केट में, जिसका असर आईपीओ भी देखने को मिला। फिलहाल ये कह सकते हैं आईपीओ आज के डेट में करीब 10 से 15% तक की तेज़ी बनी हुई है। जब भी कोई आईपीओ आता है 10 से 20% भी लिस्ट होता है उसका अच्छी लिस्टिंग मानी जाती है। इस आईपीओ के अंदर भी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। वीडियो पसंद है लाइक करते चलना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलो।